हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रियंका शुक्ला और हम लोग जा रहे हैं मनकापुर से गोरखपुर। तो ये मोबाइल इसलिए हिल रहा है क्योंकि सड़क बहुत अच्छी है, हिचकोले खाती हुई सड़क है। तो आज मैं आपको मनकापुर से गोरखपुर तक का रास्ता दिखाऊंगी, कितनी अच्छी सड़कें हैं यहाँ की। ये दोनों मेरी बेटियाँ, हाय बोलो आशी, और ये रोज़ हाय, और इधर है मेरे हस्बैंड, ये ड्राइव कर रहे हैं इसलिए पीछे नहीं मिल पाएंगे। तो चलिए आज मेरे साथ सफ़र करिए यूपी के मनकापुर, जहाँ जो गोंडा के पास है। सफ़र मतलब एसयू, सफ़र ही है, सफ़र है, नॉट सफ़र, सफ़र। सो लेट्स एंजॉय। ये हमारा आईटीआई जहाँ पे हम लोग कैंपस में रहते हैं। यहाँ की सड़कें कुछ ठीक है, जो मेरे घर के दरवाजे के सामने की सड़क है वो तो बहुत ख़राब है। हम लोग यहाँ पे बबनान, मस्कनवा, हरैया होते हुए जाते हैं हाईवे तक। तो आज आपको यहाँ का सफ़र पूरा करवाते हैं हम। आशी अपने पूरे टैडीज़ के साथ चलती हैं, वो उनके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ सोती है, उठती है। ये सा छोटा सा पांडा, वो उसका डैडी, रोज़ मोबाइल में बिजी हैं। हम लोग आईटीआई के गेट से बाहर निकल गए। ये पीछे हमारा आईटीआई का गेट है जहाँ पे गार्ड्स होते हैं। अब हम लोग आगे सुहाना सफ़र यहाँ शुरू होता है। बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे। ये चीज़ खास बात है कि पॉल्यूशन नहीं है, आबादी बहुत कम है, और ये आईटीआई शहर से काफ़ी दूर होता है, लगभग आई थिंक 5-6 किलोमीटर दूर होगा स्टेशन से। पूरा जंगल, यहाँ हम लोग जंगल में रहते हैं। ये देख सकते हैं आप, पूरी ग्रीनरी चारों तरफ, एकदम रूरल एरिया है। यहाँ पे आपको साइकिल, पैदल, ये सब आपको बहुत दिखेंगे, जो कि बड़े बड़े शहरों में, मुंबई पुणे में आपको देखने को नहीं मिलती होगी। ये देखें ये सड़कें हिचकोले खाती हुई, ये गाय सड़क के किनारे साइकिल हुए। आप देख सकते हैं, मैं आपको साइड का दिखाऊंगी, छोटी छोटी दुकानें। सुहाना सफर और ये मौसम धूप वाला। हाँ, ये देखिए कुम्हार, ये यहाँ पे कुम्हार रहते हैं। हाँ, खाते हैं। देखिएगा आप अभी ये छोटे छोटे मटकों की दुकानें, सुराही, ये आप लोगों को बड़े शहरों में शायद नहीं दिखती होंगी। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये हम लोग बाहर जा रहे हैं मनकापुर से। ये बोर्ड दिखा नहीं पाई मैं, आप लोग कोशिश करते हैं दिखाने की फिर से। ये मनकापुर पीछे रह गया, वो देख सकते हैं आप, ये मनकापुर से बाहर आ गए हम लोग। किधर आए हैं, रोड क्या है ये? मस्कनवा रोड। हाँ, अब इसको बोलते हैं मस्कनवा रोड, मस्कनवा की तरफ। मस्कनवा में एक मेरी फ़ैन है, आयशा सिद्दीकी, कई बार बुला चुकी है, लेकिन अभी कोरोना के बाद ही जाएंगे उसके पास, हम अभी नहीं जाएंगे। तो मस्कनवा रोड पे हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। मेरी बेटियाँ हमको आगे नहीं बैठने देती हैं, पीछे ही बैठा रहे हैं, हस्बैंड को आगे अकेले बैठना पड़ता है। ये देखिए यहाँ की सड़क काफ़ी अच्छी है मस्कनवा, और पूरा जंगल है आसपास। आगे बैठो तो ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्ड कर पाते हैं। आशी बैठ जाए बेटा प्लीज। रोज़ आशी की पूड़ी का मज़ा लेते हुए, इन लोगों का फेवरेट नमक वाली पूड़ी बना ली थी हमने, हम भी खा रहे हैं साथ में। सुबह काम के चक्कर में खा नहीं पाए थे, दोनों एंजॉय करती हुई। रोज़ ये क्या तुमने कुशन पे रखा है? चलो कोई बात नहीं, खाओ 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 खाओ। आशी मज़ा आ रहा है, रोज़ मज़ा आ रहा है। अब आपको दिखाते हुए, ये देखिए ये मस्कनवा रोड है, पूरा ग्रीनरी। हाँ, बस आपको यहाँ पे मॉल्स,
रेस्टोरेंट्स ये सब कुछ भी नहीं दिखेगा। छोटी-छोटी दुकानें, छोटी-छोटी दुकानें, ऐसी दुकानें आप लोगों ने नहीं देखी होगी। देखिए, वो देखिए कोई मालगाड़ी, मालगाड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन, यस। बचपन से मालगाड़ी बोलते-बोलते गुड्स ट्रेन पता ही नहीं था। ये छोटी सी झोपड़ी, किसी का घर है ये। ग्रीन है आज दिख रहा है, नहीं घना हो भी गया लग रहा है ना ज्यादा, थोड़ा घना इतना ही था आज तो देख रही हो क्या? उससे पहले ऐसे रहती थी हमेशा मोबाइल में, नहीं रहते थे जब नेटवर्क ही नहीं रहता तो मोबाइल में, मतलब छूट में कुछ भी, मतलब देखो वाओ छोटा सा घर, आगे तो आई बेटी बैठे नहीं रहती थी, तुम्हारी तुम्हारे पे ही गई है दोनों, सब सब जलती है हमसे तुम्हारी तरह। यहाँ सड़क बहुत अच्छी है, आपको असली सड़क का मजा देंगे हम लोग। कहाँ से जी बबला, आपको दिखाएंगे हम लोग, एक पुलिस वाले भैया जी जा रहे हैं, इनको भी शूट कर लेते हैं। ये हम लोग आ गए मस्कनवा बबनान हरैया, आप देख सकते हैं वहाँ पे चौराहा आता है, इसे सीधे आपको आना है। मस्कनवा बाजार है, देखिए बॉक्स, छोटे छोटे घर, घर बिल्कुल सड़कों पे ही आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ की लोकल मार्केट है मस्कनवा की, ये मनकापुर की नहीं है, ये मस्कनवा की छोटी छोटी दुकानें, ये मंदिर है यहाँ पे, मस्कनवा रेलवे स्टेशन इधर था। ये छोटे छोटे टॉयज की दुकान मैं दिखाती हूँ आपको, ये यहाँ पे टॉयज मिल रहे हैं। यहाँ अभी लोग मॉल्स, बड़े बड़े सिनेमाज, ये सब कल्चर से काफी दूर हैं ये लोग। छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे व्यवसाय, हाँ ये देखिए अमरूद, गुआवा है, अमरूद है, ये फल फल वाले भैया हैं, ये गाय सब जानते ही होंगे आप। यहाँ पे हमारे यूपी में चलता है ये ई रिक्शा, जो कि अखिलेश यादव जी ने जिसका स्टार्टिंग किया था, ताकि रिक्शे वालों पे बोझ कम पड़े, कम मेहनत लगे, ई रिक्शा था वो। ये लोकल बर्तन की शॉप, फिर हम लोग सुनसान रास्ते की तरफ बढ़ते हुए, यहाँ आप शाम 7 बजे के बाद, अगर विंटर है तो कभी ना आए, एक बार हम लोग ने 8 बजे के बाद 10 बजे रात में आने का रिस्क ले लिया था, उस दिन तो बस लग रहा था कि हाँ किसी तरह आज घर पहुँच जाए, फिर कभी दोबारा ये गलती नहीं करने वाला है। एक इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा था हमें यहाँ पे, एकदम सन्नाटा हो जाता है शाम को 7 बजे के बाद। I'm
गाता रहे गधा ना गधा 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 था तुम्हारा सिर से सुर मिला रहा था फिर से गाना गाता रहे गधे आ जाएंगे हम तो कह भैया यहाँ पे कोरोना है क्या रोक लगाया हुआ है अंदर पापा जरा पापा मेन रोड कभी नहीं बंद होता गली बंद होती है जहाँ होता है ओके क्या शाहपुर में निकला था तो शाहपुर बंद होगा अरे मेन रोड मेडिकल जाने के लिए सड़क नहीं बंद होती okay. जिस गली में मोहल्ले में होता है जैसे यहाँ से पूछना चाहिए गली में कोरोना न हो उस गली से ही हमको गुजरना है ये यहाँ की चीनी मिल है ना चीनी मिल ये बबना चीनी मिल आप देख सकते हैं कभी बच्चों घुमा देंगे चीनी मिल जाए हमने देखी है बचपन पता है हम गए थे अंदर और क्या ये बबनान चीनी मिल और यहाँ पे ये रेलवे क्रॉसिंग रोड योर फेवरेट प्लेस उसको बहुत डर लगता है क्रॉसिंग से कहीं फंस ना जाए ये यहाँ की रेलवे क्रॉसिंग चिचकोले खाती हुई सड़कें ऊंची नीची है डगरिया ये देखिए सड़क यहाँ की अब यहाँ से अच्छी वाली सड़क शुरू होगी उल्टा बोल रहे हैं अच्छी वाली मतलब ये यहाँ का देखिए छोटी सी झोपड़ी साइड में झोपड़ियाँ गिरी गिरी झोपड़ी है बस्ती हरैया रोड पे लोग आ चुके हैं बस्ती हरैया मार्ग ये बिग चीनी मिल है यहाँ पे ये पूरा चीनी मिल का एरिया है गन्ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है ये चीनी मिल का एरिया है शुगर का जब सीज़न होता है यहाँ रास्ता बहुत ब्लॉक होता है अक्सर जाम लग जाता है घंटों जाम में हम लोग फंस चुके हैं यहाँ पे क्या भाई ओ भाई फिर जा रहे हैं ये छोटी छोटी दुकानें अरे सैमसंग की शॉप में है अरे ये देखिए कितनी अच्छी सड़क है ये यहाँ का पुलिस स्टेशन पुलिस चौकी है स्टेशन और चौकी में अलग अंतर होता है क्या स्टेशन का छोटा सा अच्छा 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 यहाँ की सड़क अच्छी वाली सड़क बरसात में तो लाजवाब हो जाती है ये वाली सड़क रोज मजा आ रहा है ना शास्त्रीय गायन जिसको नहीं आता उसको आ जाए क्लासिकल म्यूजिक के लिए बहुत अच्छी सड़क है ये आवाजों में कंपन आ जाता रोज रियाज करो रियाज छोटा सा ट्रैक्टर वाओ सो क्यूट ये कैसा है भाई नया लॉन्च हुआ क्या नहीं पहले नहीं देखा था हमने कभी तुमने देखा था क्या नहीं ना ओह लगता है कोई छोटा सा ट्रैक्टर हमारे मनकापुर में लॉन्च हुआ है नहीं लॉन्च यही हुआ होगा कुछ तो अच्छा करे और क्या ये बढ़िया इस बारिश के महीने में भी आप धूल देख सकते हैं सो मच डस्ट हियर ये यहाँ के ऑटो पार्ट धुलाई सेंटर ये है डेयरी शॉप अनमोल जनरल स्टोर मदिरालय जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है ये लग रहा है कोई टुन्ने निकल रहा है दिन में ही लेकर के पटियाला पैक बना के हम लोग यहाँ से राइट हो जाते हैं बबनान से हरैया की तरफ बढ़ते हुए हम लोग स्वच्छ भारत अभियान की धज्जी उड़ाते हुए एक जन ये हमारा इंडिया
यहाँ पे कोई स्वच्छ भारत तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप खुद से जागरूक नहीं होंगे। यहाँ पे टॉयलेट ओपन नहीं होते, ओपन में ही टॉयलेट है, क्या जरूरत है यार टॉयलेट की। आपको यहाँ सुबह अगर आते हैं हम तो लोटा लिए हुए लोग मिल जाते, लोटा लेके जाते हुए। ये कब खत्म होगी सड़क, ये वाली अभी रहेगी ना, होपफुली बनेगी कभी ना कभी, टूट तोड़ तो दी गई है, देखते हैं बनती कब है अगले साल तक। भाई हम लोग इसलिए दिखा दे रहे हैं आप लोग, कभी आप लोग आए तो आप लोग रास्ता ना भूलें। अब ये थोड़ी सी अच्छी सड़क मिल गई हम लोगों को हरैया की तरफ जाते हुए हम लोग। हम लोग हरैया आ गए हैं NS28। अब यहाँ से फाइनली हमें NS28 मिल जाएगा हाईवे। ये छोटी सी प्यारी सी शॉप, लोकल खिलौनों की टॉयज की शॉप, और सामने देख सकते हैं आप हमें, हाँ जो लखनऊ गोरखपुर को कनेक्ट करने वाली NS28 हमें मिल रही है, वो ऊपर देख सकते हैं हाईवे, नेशनल हाईवे ये है। अब ये मनकापुर पीछे छूट गया, बाय बाय हरैया निकल गया, अब हम लोग चल रहे हैं हाईवे की तरफ। अब यहाँ से सफर सुहाना, खो जाए हम, हो जाए हम, यूं लापता आओ मिलो चले जाना कहाँ ना हो पता। देखिए अभी हाईवे गोरखपुर से, सॉरी बस्ती से गोरखपुर वाला हाईवे जो कि बहुत शानदार है, देख सकते हैं आगे रोड बहुत अच्छी है। यहाँ पे रियल में सफर है, इट्स नॉट सफर, यहाँ सफर ही है, अच्छा वाला सफर, सुहाना सफर, इसीलिए हमें गोरखपुर पसंद है। और मेरे हस्बैंड को मनकापुर, उनको ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ा प्रेम है। कितना खूबसूरत है यहाँ पे भी, काफी ग्रीनरी है। ये चीज है कि हमारे साइड में हरियाली बहुत है, हाईवे की लाइन आप देख सकते हैं, पूरे पेड़ लगे हुए हैं। भाई सीएम सिटी है गोरखपुर, तो ये बनता है ना, जब से गोरखपुर में सीएम बने तब से काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पे सड़कें अच्छी हो गई है, ग्रीनरी काफ़ी हो गई है, तो हमारे शहर का उद्धार तो हो गया, मनकापुर का उद्धार तो नहीं हुआ लेकिन हाँ गोरखपुर का उद्धार हो गया है। देखिए यहाँ के लोकल ऑटो, यहाँ के लोकल ऑटो जो थी, इसमें आप 5 रुपये में 7 रुपये में 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर जा सकते हैं। अभी का नहीं पता, शायद अभी बढ़ गया होगा, लेकिन हम लोग 5 रुपये दे करके हम लोग लगभग 2 से 3 किलोमीटर चले जाएगा थे। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं खलीलाबाद, जो कि गोरखपुर और बस्ती के बीच में पड़ता है। अब गोरखपुर यहाँ से 35 किलोमीटर बचा है, वो देखिए खलीलाबाद का बोर्ड हमें दिख रहा है ऊपर, ग्रीन कलर का बोर्डिंग, वेलकम बोर्ड, गोरखपुर खुशनगर खलीलाबाद रोड जाती है, यहीं से आप कहाँ चले जाते हैं। हम लोग अब सहजनवा आ चुके हैं, हम लोग गोरखपुर की तरफ बढ़ते हुए वेलकम टू गोरखपुर, वी आर जस्ट गोइंग टू एंटर टू गोरखपुर, देयर इज नो कोरोना, यू कैन सी टेलीविजन न्यूज़। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग सावधानी मत बरतिए, और लेकिन सड़क देख के तो नहीं लगता कहीं कोरोना है। हाँ
ये हम लोग आ चुके हैं गोरखपुर में, एंटर कर रहे हैं। यो गोरखपुर आ गया ये हाईवे ऊपर है जो आप देख रहे हैं, लेफ्ट जाकर के नेपाल और राइट में बनारस। आपने भी हाईवे देखा, हम लोग गोरखपुर की खुशी में हो गए थे। हस्बैंड की बात नहीं सुन रहे थे, कभी भी नहीं सुनते। और ये हम लोग गोरखपुर में एंटर कर चुके हैं, मेरा प्यारा गोरखपुर। हाशी खुशी खुश हो ना? गोरखपुर आए और आप राप्ती नदी ना देखें, ऐसे करो। ये राप्ती पुल जो यहाँ की सबसे बड़ी नदी है, फेमस नदी राप्ती नदी, गोरखपुर राप्ती नगर के क्रॉस करने के बाद ये राप्ती नगर का राप्ती नदी का पुल, ये बहुत बड़े बड़े इसमें बैरियर्स लगे हुए हैं। पहले बड़े सुसाइड्स होती थी यहाँ पे, तब से फिर बैरियर लगा दिए गए लंबे लंबे। वो रही नदी, ये राप्ती नदी क्रॉस करने के बाद हम लोग आ गए। अब हम लोग गोरखपुर में एंटर कर गए। ये नदी क्रॉस करने के बाद सिटी शुरू हो जाती है, गोरखपुर शहर स्टार्ट हो गया। पुल क्रॉस करते ही मेन सिटी में हम लोग आ जाते हैं। ये मेन सिटी गोरखपुर, गोरखपुर हमारा आ चुका है। अब हम लोग अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से हमारा घर कितने किलोमीटर है जी? बस 3-4 किलोमीटर लगभग हमारा घर है यहाँ से। पूरा रश आप देख सकते हैं, लाइफ बिल्कुल नॉर्मल ही लग रही है यहाँ पे। हम लोग तो 6 महीने बाद तक डर के निकले हैं कि कैसा होगा आज गोरखपुर में, लेकिन यहाँ तो फिलहाल बिल्कुल नॉर्मल है सब कुछ लग रहा है मुझे देख करके। कुछ भी अलग सा नहीं लग रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये डॉक्टर का फील पूरा जो फेमस है हमारे पूरे इंडिया में, उनका क्लिनिक है, ये बंद पड़ा है। अब हम लोग अपने घर की तरफ बढ़ते हुए, यहाँ का फेमस बी पार्क सेकंड गेट है ये, सामने दिख रहा है बिग बाजार, रोजाशी का फेवरेट, बट नहीं जा सकते। सामने वाला बिग बाजार है, वो रिलायंस वो पिंक और ब्लू व्हाइट वाली रिलायंस ट्रेंड है ना पापा, और वो वाली बिल्डिंग बिग बाजार, गोरखपुर का बिग बाजार, रोजाशी का फेवरेट। अब यहाँ से लेफ्ट हमारा घर आ जाएगा। कैसा लग रहा है रोजाशी? बहुत अच्छा लग रहा है, हमको अपना मास्क उतारने का मन नहीं कर रहा है। मास्क लगाता है भाई आशी, कैसा लग रहा है? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? गोरखपुर तो आ गए हम लोग, रोज और आशी का फेवरेट गोरखपुर। और कल हम लोग कहाँ जाएंगे? कल हम लोग कहाँ जाएंगे? हम सब जाएंगे दादी के घर। सबको बाय बाय बोल दो। बाय बाय। कैसा लगा आप लोगों हम लोग का ये सफर, ये व्लॉग? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारा घर आ चुका है पास, मैं दिखाती हूँ लास्ट झलकी उसकी, और उसके बाद बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, नमस्ते। तो यहाँ से लेफ्ट जाते ही मेरा घर थोड़ी दूर पे, और बाय बाय, नमस्कार, खुदा हाफिज, सब लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, घरों पे रहिए, सेफ रहिए। और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।